नमस्कार, यति बेला भने हामी यो जुन सिरवानी ड्यामको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो त्यस साइटमा यति बेला हामी आइपुगेको छौँ र तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँनिर एउटा पुल हुने गर्दथ्यो जसले साउथ सिक्किमलाई जोड्ने गरेको थियो र त्यो पुल अहिले भने पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ। त्यसको यहाँनिरबाट नामो निशान मेटिसकेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो पर्टिकुलर ठाउँ जुन ठाउँमा तपाईँले मलाई यति बेला देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ ड्यामको मेन जुन चाहिँ ड्याम छ त्यो रहेको थियो र यो पुलको चाहिँ पुल चाहिँ पूर्ण रूपले ध्वस्त भइसकेको छ र अहिले मानिसहरू आवत जावत गर्नुको निम्ति यही बाटो भएर यही बाटोबाट उहाँहरू आवत जावत गरिरहनु भएको छ। जतिजना पनि पारी आदर्श गाउँमा बस्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सिरवानीको बाटो भएर यही बाटोबाट उहाँहरूले आवत जावत गरिरहनु भएको छ र यहाँनिर हामीले अघि आउँदाखेरि देख्यौँ कि कति डरलाग्दो डिस्ट्रक्सन यहाँनिर भएको रहेछ भनेर तपाईँले हाम्रो भिजुअल्सहरू मार्फत पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। धेरैजना मानिसहरूले यो ठाउँमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। धेरैजना यहाँनिर काम गर्ने कर्मचारीहरू अहिलेसम्म पनि मिसिङ छन् भनेर पनि हामीले यहाँनिर जानकारी पायौँ र यहाँनिर रेस्क्यु अपरेसन गर्दाखेरि धेरैवटा डेड बडिजहरू पनि यो ठाउँबाट निस्किँदैछ भनेर पनि हामीले यहाँनिर आइकन थाहा पायौँ र हामी यहाँनिर आउँदाखेरि विशेष गरेर यहाँको कर्मचारीहरू जो यहाँनिर लेबर कामहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई भेटेका थियौँ र उहाँहरूले हामीसँग केही कुराकानी राख्छु भन्नुभएको थियो र अब हामी उहाँसँग केही क्षणको लागि हामी उहाँहरूसँग चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँले यो भिजुअल्सहरू मार्फत हेरिरहनु भएको छ कि कस्तो स्थिति यहाँनिर यति बेला भइरहेको छ र यो पारिपट्टि जुन जाने बाटो छ यो पनि एकदमै डेन्जरस बाटो छ तर पनि मानिसहरू यही बाटो भएर आवत जावत गरिरहेका छन् र खोलाको स्थिति भने यति बेला तपाईँलाई म यो खोलाको स्थिति पनि यहाँबाट देखाउन चाहन्छु किनभने एकदमै डरलाग्दो खोला आएको कारणले गर्दाखेरि यो घटना भएको थियो। खोलाको स्थिति धेरै हदसम्म त सामान्य भएको छ तर पनि अहिले यो नर्मल चाहिँ छैन किनभने यो खोला निरन्तर बगिरहँदाखेरि यो बाटो ट्राभल गर्नु पनि मानिसहरूलाई प्रब्लम हुनसक्छ र तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेदोहरू एकदमै बेसी भरिएको छ र यहाँनिर कुनै एउटा सेक्युरिटीको पनि एउटा कुनै यहाँनिर राखिएको छैन किनभने यो बाटो हिँड्दाखेरि मानिसहरू चिप्लेर लड्ने पनि सम्भावना छ र विशेष गरेर तपाईँहरूको हामी सिक्किम न्युज 24 मार्फत हामी तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ हामीले एक्सट्रिम जग्गामा गएर तपाईँहरूको निम्ति जग्गाको स्थिति कस्तो छ त्यो तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो तर्फबाट पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ कि जबसम्म कुनै आपत पर्दैन जबसम्म कुनै जरुरी पर्दैन तपाईँहरू आफ्नो घरबाट ननिस्किनुहोस् ट्राभल नगर्नुहोस् अननेसेसरी ट्राभल नगर्नुहोस् पनि भन्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर जो लेबरहरू हुनुहुन्थ्यो अब हामी केही क्षणको लागि उहाँहरूको कुरा पनि सुनेछौँ। जुन ड्याम निर्माण हुँदै थियो त्यहाँनिर काम गर्ने यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् फ्रेममा हामीसँग यहाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूले के देख्नु भयो के अनुभव गर्नुभयो त्यो पनि हामी उहाँहरूबाट जान्दैछौँ। तो भैयाजी बता दिजिए कि उस रात में आपने क्या देखा यहाँ पे और कैसा था आप लोगों का एक्सपीरियंस? हम लोग जैसे रात में हम दिन ड्यूटी थे दिन कर हम आकर सो रहे थे रात में एक तो 2:30 बजे करीब में हल्ला हुआ कि सब आ गया बांध टूट गया उधर से पानी सब आ गया सब इधर तो नहीं उधर थे मेरा रूम उधर है इधर। तो उसका पहले पुलिस आके आप लोगों को ये नहीं बताया कि साइरन वायरन नहीं लगाया था? ठीक है, ये बात तो आपका भी हो गया। कंपनी अभी क्या कह रहा है आप लोगों का ये जो तनख्वाह वो देना कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है नहीं। तो आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी तो रूम पर है कैंप पे। अरे अभी आप ये देखिएगा तो रात में बाढ़ फिर से आ गया तो आप लोगों का क्या है कुछ अल्टरनेटिव? आप लोगों को धर्मशाला में वहाँ पे रिलीफ कैंप में नहीं ले जाया गया यहाँ से? अभी तो सिक्योरिटी गार्ड वाला हटाता रहता है जैसे अभी वहाँ है जब ऊपर ले पानी छोड़ता है तब बता के ऊपर भाग जाओ ऊपर भी साहब है यहाँ साहब ले बात की। जी आप यहाँ के इंचार्ज है और क्या है मतलब? इंजीनियर हैं। अच्छा तो इंजीनियर साहब बहुत बड़ा डैमेज हो गया ना ये कितना कितना आप लोगों ने मेहनत किया होगा इसका बनाने में बताइए विस्तार से। ये हमारा बहुत बड़ा डैमेज हो गया इसमें कहा नहीं जा सकता इसमें लगभग बहुत करोड़ों का डैमेज हुआ है। सारे हमारे मिलर जो भी थे सब चले गए दो चार वही हैं बचे हैं और भारत बेंच वगैरह भी चली गई इसमें अंदर उंदर थी वही बची है और बाहर का ब्रिज का जो भी काम हो रहा था वो तो स्थगित रूप से रोक दिया गया। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक मेरा रोड बन नहीं पाएगा अभी कुछ काम नहीं पाएगा। कितने कर्मचारी अभी फिलहाल यहाँ पे है और यहाँ पे फंसे हुए? अभी यहाँ पे लगभग हमारे 1000 से 1200 लोग फंसे पड़े हुए हैं यहीं पे रह रहे हैं जेपी कैंप में है।
अच्छा, तो जेपी कैंप क्या ये सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहा है और क्या आप लोगों को रिलीफ कैंप की तरह वहाँ पे खाना दवाइयाँ भी दे रहा है? हाँ, ये सब चीज़ अभी हमारी कंपनी सब दे रही है जी। अभी जब तक हम लोग रहेंगे अभी सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रही है। अभी हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी सैरन उरन सीटी वगैरह बजाती है, जब भी ऊपर से कोई सूचना उचना मिलती है तो ये सही रहती है। अच्छा, तो मतलब जो यहाँ पे उस रात में जो घटना हुआ तो उसमें कितने लोगों की आपने क्या क्या देखा और कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हो, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। उसमें रात में बहुत भयावह घटना था, उसमें भयानक घटना था। इसमें हमारे यहाँ के सामने ही हमारे कंपनी का जो भी मिलर थे उसमें सामने ही मतलब चले गए नीचे नदी की ओर, सामने ही निकल गए। जितने भी मशीनें थी, बड़ी बड़ी टैंकर मशीनें थी, वो सब चली गई। तो डेड बॉडी का रेस्क्यू का यहाँ पे काम चल रहा है अभी? कितना अभी रेस्क्यू चल रहा है अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी चल रहा है, खोजी जा रही है कंपनी के द्वारा भी और हमारे ऊपर इसमें लगे हैं। तो डेड बॉडीज निकाल रहे हैं अभी यहाँ? निकाल रहे हैं अभी, पता है कुछ। आज दिन भर में कितना तक निकाला होगा? अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन सूचना मिल सकती रात को। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वहाँ एकजना यो यही ठाउँमा काम गर्ने इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो र वहाँ दुईजना अघि जोसँग हामीले कुराकानी गर्यो यहाँको लेबरहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के देख्नुभयो त्यो रात त्यसको विषयमा भन्नुभयो र विशेष गरेर उहाँले कुरा भन्नुभएको छ कि जेपी कम्पनी जो यहाँनिर सञ्चालन यो जुन यो प्रोजेक्ट जुन कम्पनीले गर्दैछ, जेपी कम्पनीले नै आफ्नो कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूले आफै नै राख्नु भएको छ भनेर पनि उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। र अब यस पश्चात हामी आदर्श गाउँतर्फ पनि जानेछौँ र अन्य अन्य ठाउँहरूमा पनि हामी जानेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम न्युज 24, सुरज लिम्बूको साथमा मोहन कुमार कार्कीको रिपोर्ट।